What's up everyone, welcome back to another video. My name is Anit and you're watching AKN. तो यार मैं YouTube से एक हफ्ते की ब्रेक ले रहा हूँ. यू नो मेरे कुछ पेपर्स वगैरह ऊपर नीचे सप्ली आई है, दो सप्ली आई है, वो क्लियर करने हैं. एक हफ्ते की ब्रेक लेने से पहले मैंने सोचा कि थोड़े आजकल मुझ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस बीस वीडियोज़ बनी हैं. दस बीस तो नहीं बनी, खैर चार पाँच वीडियोज़ बनी हैं, उनमें से कुछ को मैं थोड़ा सा रिएक्शन रिस्पॉन्स वगैरह दे दूँ, यू नो. तो या लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल यार, दे हेट मी फॉर एब्सोल्युटली नो रीज़न. दे थिंक आई अपलोड फेक वीडियोज़ विच आई डोंट अपलोड फेक वीडियोज़ एनी मोर. एक दो तीन वीडियोज़ मैंने अपलोड की थी जो कि फेक नहीं थी, वो मेरी नहीं थी, लेकिन फेक से तुम्हारा क्या मतलब है यार. मैंने उसकी परमिशन ली है, मैं उसको एडमिट करता हूँ कि वीडियोस मेरी नहीं, उसको आप फेक नहीं कह सकते. फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, लोग अगर कमेंट करके पूछते कि फेक, आई रिप्लाई यस इट्स फकिंग फेक. व्हाट? ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक दो दिन पहले यू नो किसी ने मेरे वीडियो पे कमेंट किया था कि यार अबे जाहिर ये गेमिंग जोन में वीडियो रिकॉर्ड करने का कोई जरिया ही नहीं होता. आई डोंट रिमेंबर द कमेंट, स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन पे देख लेना. तो मैंने रिप्लाई किया कि यार ये वीडियो मेरी नहीं है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है. अलबत्ता अगर तुम्हें नहीं पता तो फ्रेप्स एक सॉफ्टवेयर है जो गेम प्ले रिकॉर्ड करता है, वो हमारे गेमिंग जोन में है. और पिछले एक साल में जितने भी मैंने फॉर्टनाइट की वीडियोस अपलोड की, ऑलमोस्ट 7 out of 10 सारी वीडियोज़ मैंने गेमिंग जोन में रिकॉर्ड की है. मेरा एक और दोस्त है, उसका गेमिंग चैनल है सेम गेमिंग नेटवर्क, उसकी भी 8 out of 10 वीडियोज़ ने गेमिंग जोन में रिकॉर्ड की है. यू नो रिकॉर्डिंग अलाउ है ऑलमोस्ट इन एवरी गेमिंग जोन ऑफ इस्लामाबाद. उसने मुझे रिप्लाई करके कहा कि यार मैं तो मतलब आपका चैनल मैंने काफ़ी अरसे से सब्सक्राइब किया हुआ है और मेरा भैया पे एक वीडियो बना रहा है, उसको सीरियस मत लेना, जस्ट फॉर फन ब्ला ब्ला ब्ला. तो मैंने सच न्यूज, किसी ने पूछा भी था कि कौन बना रहा है, उसने कहा था कि सर्च HSN हुसैन ऑन यूट्यूब. यो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो. तो आज तक आप लोगों ने सिर्फ मुझे फोर्टनाइट स्टार्स एक्सपोज करते हुए देखा, तो आज हम लोग पाकिस्तानी फोर्टनाइट यूट्यूबर एक्सपोज करेंगे. यो लेट्स गेट इन द वीडियो. आई थिंक ये नाम था, हाँ. तो वीडियो मैंने वो मैंने वीडियो को लिया, अल्लाह की कसम ना, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका थंबनेल मुझे बहुत जहर लगा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. क्योंकि जो भी मेरे पे एक्सपोज या रोस्ट वीडियो जो भी बनाता है, मेरे आंखों में लाल रंग टोस देते हैं, पता नहीं क्यों. नॉज गेमिंग, ये दूसरा उसका नाम नहीं मुझे पता, आई थिंक राइजिंग शेडो था समथिंग, हाँ वो. ये देसी फेस वगैरह वो भी एक रोस्टर, सब ने बहस की तो मेरे आंखों में लाल रंग टोसा हुआ है. ये पता नहीं कोई मीम है वगैरह, मुझे नहीं कोई खास पता. हाँ तो इस वीडियो में भी ये कसम से, जब मैंने वीडियो खोली ना, मैंने कहा ये 12 13 14 साल का मैक्सिमम कोई बच्चा होगा, जो कि क्योंकि मैंने मोस्टली ऑडियंस यही है 8 से 14 साल के दरमियान. तो थी ये, मैं सही था, कोई बच्चा था जो कि खुद को खुश करने के लिए जो भी हवाई फायरे मार रहा था. I mean, what the shit is this, nigger? तो वो खुद को खुश कर रहा था. मुझे बहुत मजा आया वो वीडियो देख के, लेकिन इट वॉज कम्प्लीटली पॉइंटलेस, क्योंकि जब मैं एक चीज़ एडमिट कर रहा हूँ उसके खिलाफ आप मुझे एक्सपोज नहीं कर सकते. अच्छा दूसरा, राइजिंग शेडो माई फ्रेंड, उसने इसके वीडियो में कमेंट किया था कि यार मैंने भी इसको एक्सपोज किया था, लेकिन उसने मुझे गालियाँ दी फर्स्ट ऑफ ऑल. और मतलब इस तरह वो बच्चा अपने अबू से शिकायत नहीं करता, और उसने मुझे मारा और गंदी गंदी गाली. तुमने मुझे एक्सपोज के लिए किया एक ऐसी वीडियो जो कि क्लिकबेट नहीं थी, और तुमने उसको क्लिकबेट समझा. 3 मिनट की वीडियो के खिलाफ तुमने 10 मिनट की वीडियो अपलोड की, और उसमें तुमने मोस्टली क्या किया, मेरे एक्सेंट का मजाक उड़ा. लिटिल बिट सीरियस. इट्स बिगिनिंग गो बिकॉज़ आई हैव यू योर अपलोडेड अ न्यू वीडियो. और वो भी इसलिए क्योंकि वो वीडियो ऑटो डिनाइज थी, वंडर शेयर फिल्म और एक एडिटर है उसमें, और उसमें जब भी कोई शोर होता है तो आवाज पतली कर देता है. और अब जब ये हुआ तो तुम उसको माइंड करो. यू नो आई एम रियली रियली सॉरी अगर तुमने माइंड किया तो, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. लेकिन जस्ट नो वन थिंग दैट आई डोंट गिव अ फक इफ यू माइंड और नॉट, बट या आई एम सॉरी. मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें बुरा लगा तो स्टिल आई डोंट गिव अ फक, बट आई एम सॉरी, आई एम सॉरी. तीसरा, आई एम नॉट अ नूब, जो कि इसकी बहुत मजे की कहानी है. ये फर्स्ट ऑफ ऑल इसने उसी वीडियो में पहली वीडियो के नीचे कमेंट किया कि ये मेरी स्ट्रीट में रहता है, ये चोर है, ये है, वो है. फॉर इसका अपना चैनल अब देख ले, इसमें कौन सी वीडियो तुम्हारी है यार. 80% तुम्हारा कंटेंट तुमने चोरी किया हुआ है, तुम मुझे बकवास कर रहे हो. और फर्स्ट ऑफ ऑल तुमने इस कमेंट में कहा है कि ये मेरी स्ट्रीट में रहता है, फैन बनने की कोशिश मत कर, ठीक है. हम अलग सेक्टर में रहते हैं,
तुम्हारा सेक्टर 4 है, मेरा सेक्टर 1 है। मुझे तुम मेंटली ठीक नहीं लगते, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे तुम मेंटली बिल्कुल ठीक नहीं लगते। तुमने अपनी डिस्क्रिप्शन में जो तबाही मचाई हुई है ना, एक लड़का पाकिस्तान की स्पेलिंग 8-9 में पढ़ता है, वो पाकिस्तान की स्पेलिंग से नहीं स्पेल कर सकता, तो उससे मैं उसको मेरा रिप्लाई बनता है, मैं भी वो जो रिप्लाई दे रहा हूँ। एक बंदा जो टिकटॉक पे वीडियो बना रहा है, क्या वो मेरी रिप्लाई डिजर्व करता है? स्पेशली इस टाइप की वीडियोज अगर वो बनाए। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं ये वीडियो बिल्कुल नहीं बनाना चाह रहा था। आई स्वेयर टू गॉड, रमज़ान का महीना है और मैंने GTA 5 का गेम प्ले अपलोड करना था, लेकिन यार एक चीज़ की लिमिट होती है, ठीक है? तुम लोग अगर सुबह शाम मेरे पे रिसर्च तुम ज़ीरो करते हो, एक वीडियो तुम्हें पसंद आई कि हाँ ये क्लिक करते हो, हाँ ये तो इसकी नहीं, तो इस पर रिएक्शन दे रहा, चल एक्सपोज वीडियो मारते हैं, उस वीडियो को मैं जितना टॉक्सिक, जितना फेक, जितना फजूल हो सकता है बना सकता था, और मैंने बनाई क्योंकि मैं चाहता था, यू नो, मैं सस्ती फेम की एक नाकाम कोशिश कर रहा था, और मुझे नहीं ये वीडियो मैंने इस इंटेंशन से अपलोड की थी कि मैं लोग को कहूँगा कि ये गेम प्ले मेरा है। लेकिन जब मेरे यूट्यूब पे 2-3 महीने हुए, इस वीडियो को थोड़े बहुत व्यूज़ मिलने लगे, और जब लोग इसको वाकई सीरियस लेने लगे कि मतलब इसको लाइक ज़्यादा आने लगे, तब मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया, मैंने इवन अपनी वीडियोज़ में एडमिट किया है कि ये वीडियो मेरी नहीं है। और अगर उस चीज़ से आप मुझे 2-3 दिन पहले, यानी वो वीडियो मैंने एग्जैक्ट रमज़ान में लास्ट ईयर अपलोड की थी, और उसकी एक्सपोजर अगर अभी मुझ पर बनती है, तो आप ख़ुद फैसला करें क्या मैं गलत हूँ या ये गलत है। मैं कभी मानूंगा तो नहीं कि मैं गलत हूँ, क्योंकि मैं नहीं। आखिर में यार रमज़ान का महीना है, आई रियली वांट टू से आई एम रियली रियली सॉरी, मैं एक्सपोज नहीं करना चाहता, पर तुम लोगों ने मुझे लिमिट तक पहुंचा लिया, तो अब क्या क्या कह सकते हैं यार। बाय द वे ये तीनों अच्छे बंद, आई एम नॉट अनूप, इसका नाम शजील आई थिंक है, ये भी एक अच्छा फोर्टनाइट प्लेयर है। HSN हुसैन भी एक अच्छा यूट्यूबर है, वो क्या अपलोड करते हैं यार पता नहीं, अच्छा यूट्यूबर है। और राइजिंग शेडो तो मेरे जिगर का टुकड़ा है यार, लव यू ब्रो, बट जस्ट नो कि आई डोंट गिव अप। लोग मुझे कह रहे थे शामी दीप वसीम डकी भाई पे वीडियो बनाओ, या अपने रोले खत्म नहीं होते उन पे वीडियो कहाँ से बनाओ। मुझे बहुत 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 मजा आएगा, बहुत मुझे बहुत 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 बहुत